दोस्तों आखिर क्यों 70 साल तक जीने वाला बाज 40 साल की उम्र में ही अपने पंख नाखून और चोंच को तोड़ लेता है। दरअसल 40 साल की उम्र आते आते बाज की लंबी चोंच टेढ़ी हो जाती है, पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ने के लायक नहीं रहते और पंजों के नाखून जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं जो किसी काम के नहीं रहते। ऐसी हालत में बाज के पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं, या तो वो भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाए या फिर अपने जीवन के सबसे दर्दनाक पहलू को पार करे और बाज जीने की चाहत में पत्थरों पर मार मार के अपनी चोंच को तोड़ लेता है और चट्टानों पर रगड़ रगड़ कर अपने नाखून को भी तोड़ देता है। लगभग 6 महीने के बाद चोंच और नाखून तो नए आ जाते हैं लेकिन पंख अभी भी उड़ने में साथ नहीं देते और ऐसे में वो बाज उन पंखों को भी उखाड़ कर फेंक देता है जो उड़ने में उसका साथ नहीं देते। इतना ज्यादा दर्द सहन करने के बाद ये बाज अपनी नई चोंच नाखून और पंखों के साथ दोबारा शिकार पर निकलता है और 70 साल तक जीता है।